हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जेके चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 5 का अध्याय चिट्ठी का सफ़र। तो चलिए इसको देख लेते हैं। चिट्ठी चिट्ठी क्या होता है? यानी लेटर, लेटर यानी पत्र। पत्र का सफ़र इसमें क्या होता है देखते हैं इस अध्याय में। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो देखे ही होंगे। यानी अब आपकी एज कितनी है? यही 10 से 12 साल के बीच। तो तुमने जो पत्र हैं उनको तो देखा ही होगा, लेटर्स को तो देखा ही होगा। वे पत्र अपने सही पते पर यानी एड्रेस पर और समय पर ऑन टाइम किस तरह पहुँचे होंगे, कैसे पहुँचे होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। ये बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कैसे करता है? जैसे कि चिट्ठी जो लेटर है वो किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, कौन सी जगह से कौन सी जगह पर भेजी जा रही है, संदेश पहुँचाने की कितनी जल्दी है, यानी वो जो मैसेज है उसका वो कितने टाइम पीरियड में वहाँ पहुँच जाना चाहिए। और क्या चीज़ होती है कि तुमने जो लेटर है, जो पत्र है, उसके ऊपर पूरा नाम और पता ठीक लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं आदि। अब प्रश्न ये उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए? चिट्ठी पर क्या ज़रूरत है डाक टिकट लगाने की? पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? अगर कोई नीड है तो संदेश जल्दी कैसे पहुंच जाएगा? स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। शायद आपको इस बात का जवाब पता भी हो कि चिट्ठी पर डाक टिकट क्यों लगाया जाता है। जो चिट्ठी पर एड्रेस डाला जाता है यानी पता डाला जाता है, वो बिल्कुल पूरा पूरा क्यों लिखा जाता है? यानी हाउस नंबर, घर का नंबर, नाम, पिता का नाम, तहसील का नाम, ज़िले का नाम और स्टेट का नाम यानी राज्य का नाम, ये सब क्यों लिखा जाता है? और उसको जल्दी पहुंचाया कैसे जा सकता है? और अगर किसी रहने वाले की जगह वो अगर अपना स्थान बदल लेता है, यानी अगर कोई रहता उत्तराखंड में है और उत्तर प्रदेश में चला जाए, तो इसका क्या असर पड़ेगा चिट्ठी भेजने पर? तो ये जो सारे प्रश्न हैं, इनमें से शायद कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनके जवाब आपके पास होंगे। इन सवालों के जवाब के लिए जरा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। यहाँ देखिए, ये दो पत्र हैं जिस पर एड्रेस लिखा है। यहाँ पहले देखिए, ये लिखा है एक्सप्रेस डिलीवरी, और यहाँ पर जिसको लेटर दिया जाना है, जिसको पत्र दिया जाना है, उनका नाम है महात्मा गांधी। आप सब महात्मा गांधी को तो जानते ही हैं, हमारे प्यारे महात्मा गांधी बापूजी। लिखा है एड्रेस में, लिखा है जहाँ हो वहाँ, और ये वर्धा लिखा गया है। और यहाँ पर देखिए, इस पत्र में क्या लिखा है? इस पत्र में है टू श्रीमान निदेशक महोदय, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, अरविंद मार्ग, श्री अरविंद मार्ग, नई दिल्ली। पिन दी है 110016। तो यहाँ पर जो एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर पूरा पता लिखा है कि किसको ये लेटर दिया जाना है। और यहाँ लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब ये हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे,
शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर का नाम। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का नाम पता लगाने में डाक छाटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जाते हैं। आपको पता है, जब मैं छोटी थी एक बार मैं अपने मामा के यहाँ गई। वहाँ मैंने मामा से पूछा, मामा जी आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया, मैं श्यामनगर नंबर 8 में जा रहा हूँ। मैंने बहुत चौकन्ने होकर पूछा कि मामा जी आप ऐसे क्यों कह रहे हो, श्यामनगर के साथ नंबर 8 क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि जो दूसरा इलाका है वहाँ पर श्यामनगर नंबर 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत से ऐसे गाँव हैं जिनका नाम श्यामनगर है, तो उस श्यामनगर का नाम नंबर 8 था। तो ऐसे ही अगर हम उसके साथ और जैसे पिन कोड नहीं दी होगी तो क्या होगा कि जो डाक के कर्मचारी होंगे उनको डाक छाटने में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत परेशानी आती है। इसीलिए हर जगह का अलग पिन कोड दिया जाता है। अभी हम इसमें बात करेंगे कि जो पिन कोड की शुरुआत हुई थी वो कब से हुई थी। तो जो पिन कोड की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1972 को, यानी 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की थी। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। PIN यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर, फिर से रिपीट करिए, पिन नंबर क्या होता है? PIN मीन्स पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है इंडेक्स नंबर का। किसी भी जगह का पिन कोड जो होता है वो 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है। उदाहरण के लिए, जैसे अभी आपको जो मैंने ऊपर लिफाफा दिखाया था उस पर पिन कोड दिया था 110016, ठीक है? तो ये कहाँ भेजा गया था? NCERT, जो आप जिसकी बुक्स छपी हुई आप पढ़ते हैं ना, तो वो NCERT है। तो वहाँ पर लिफाफे पर जो अंक लिखा था वो था 110016। तो इसमें जो है पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है, यानी जो 1 है यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर का है। ये सारे राज्यों को जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है 1, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर जम्मू कश्मीर का। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है, ठीक है? यानी नंबर 1 जो है वो बताता है कि दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का यह जो अंक है वो है। अगले जो 2 अंक है यानी 10 वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि यह जो है दिल्ली क्षेत्र के जो उपक्षेत्र का दिल्ली का कोड है, यानी दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ का कोड है। और जो 3रा अंक होता है यानी 016 बचा, तो ये जो 3 अंक है अगले वो ये बताते हैं कि दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें से ये कौन से डाकघर का कोड है, वहाँ से ये डाक बांटी जाएगी। अब तुम्हारा स्कूल जहाँ पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। और अगला जो एक्टिविटी है वो आपको क्या करना है, अगली एक्टिविटी में आपके घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। और ये पता करने के लिए आपको अपने पेरेंट्स से या फिर दादा दादी से बात करनी पड़ेगी। स्कूल में आप अपने टीचर्स से या फिर स्कूल के मेम्बर से बात कर सकते हैं, स्टाफ मेम्बर से।
अगला है पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में जो टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी होती है, तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर भी लिखा होगा, है ना। जो तुम्हारे इलाके का पिन कोड होगा, तुम्हारे जो इलाके में लेटर बॉक्स होगा, लेटर बॉक्स का कलर क्या होता है पता है आपको? रेड कलर होता है ना, तो उसके ऊपर लिखा रहता है। जो बड़े बड़े शहर होते हैं या जगह होते हैं, उनके पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं बताए? ये आपको बताना है कि जो बड़े बड़े शहरों के या जगहों के पिन कोड नंबर होते हैं वो कहाँ से आपको मिल सकते हैं। आजकल इंटरनेट पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप इंटरनेट से भी देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ डायरीज ऐसी आती हैं उस पर बड़े बड़े शहरों के पिन कोड नंबर दिए रहते हैं। जो टिकट संग्रह का शौक़ होता है वो काफ़ी लोकप्रिय है। बहुत से लोग जो हैं टिकट जो हैं उनको कलेक्ट करते हैं। धीरे धीरे इसमें टिकट संग्रह के अलावा डाक से जुड़ी और बहुत सी चीज़ें शामिल हो गई हैं। इनको डाक का विज्ञान कहना गलत नहीं होगा। क्या तुम जानते हो इस विज्ञान को क्या नाम दिया गया है? पता करो और यहाँ लिखो। तो ये तो पता लग गया कि जो महात्मा गांधी को लेटर भेजा गया था उस पर महात्मा गांधी के एड्रेस पर पिन कोड नहीं लिखा था, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 1972 को, 15 अगस्त 1972 को। 15 अगस्त कौन सा दिन है? 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। और महात्मा गांधी की जो डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, उनको नाथुराम गोडसे ने जो है गोली मार दी थी, उनको गोली मारी गई थी 1948 में, यानी 1948 में, हमारे देश की के स्वतंत्र होने के एक साल के बाद। तो यहाँ पर आप बात करेंगे अगला क्या होता था कि जो पुराने समय में कबूतरों द्वारा संदेश भेजे जाते थे, आपने कई फिल्मों में देखा होगा कि कबूतरों के मुंह में लेटर डाल दिया जाता था और जहाँ उसको पहचाना पहुँचाया जाना होता था तो जो कबूतर होते थे वो वहाँ पर लेटर लेकर चले जाते थे, पत्र लेकर चले जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते रहे हैं जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, यानी आज के टाइम की तरह ना तो टेलीफोन होते थे, ना ही मोबाइल फ़ोन होते थे, और ना ही आज की तरह बसें और ट्रेनें होती थी। तो उस समय बहुत ही मुश्किल होता था संदेश पहुंचाना। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारे उनको कहा जाता है जो संदेश वाहक का काम करते थे। तो महाराज जो होते थे, राजा महाराजा जो होते थे, उनके पास होते थे घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि राजाओं के पास जो हरकारे हुआ करते थे वो घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करके एक जगह से दूसरी जगह पर संदेश पहुंचाने जाया करते थे। और जो हरकार होते थे उनको न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी, क्योंकि उसमें जो मैसेज होता था बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज होता था, बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज हुआ करते थे। डाकू लिटेरों या फिर जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आपने सुना होगा कि उस टाइम पर बहुत से डाकू और लुटेरे हुआ करते थे जो उन हरकारों को मार दिया करते थे, और कुछ हरकार जो होते थे वो जंगली जानवर भी उनको खा जाया करते थे, क्योंकि उस समय जंगल बहुत घने हुआ करते थे और उनमें जानवरों की संख्या भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज भी जो भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है, क्योंकि वहाँ पर सड़कें नहीं होती तो वहाँ पर यही लोग जा कर के डाक पहुँचाते हैं। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम यानी जंस्कार जैसी कई जगह हैं जहां हरकारे डाक पहुंचाते हैं। जम्मू कश्मीर में जो लद्दाख है, आपने सुना होगा जो लद्दाख है अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, यानी केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। वहां पर जो पदम जगह है वहाँ पर आज भी जो हरकारे हैं वही डाक पहुँचाते हैं, क्योंकि वो इलाका बहुत ही दुर्गम और पहाड़ी इलाका है। वहाँ पर सड़क निर्माण करना बहुत ही असंभव कार्य
की तरह है, और इसके अलावा जब सड़क ही नहीं है तो वहाँ पर यातायात के साधनों का तो सवाल ही नहीं उठता। आजकल तो संदेश भेजने के लिए नए नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है, यानी बहुत अच्छी बात है। कभी एक टाइम ऐसा था कि जब कबूतर संदेश पहुंचाया करते थे, फिर हरकारों की मदद ली जाने लगी, और आज के टाइम में हवाई जहाज से एक देश में दूसरे देश तक और एक शहर से दूसरे शहर तक डाक भेजी जाती है। पानी के जहाज का भी इस्तेमाल किया जाता है। सोचकर ही आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने और ले जाने का काम नहीं कर सकती। आपको पता है बहुत सी ऐसी प्रजातियां होती हैं कबूतरों की, ये सारी प्रजातियां ये काम नहीं करती हैं कबूतरों की संदेश पहुंचाने की। गिरेबाज या हूमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके, यानी उसको ट्रेनिंग दी जाती है। कौन सी प्रजाति को? गिरेबाज या फिर हूमर, ये दोनों ऐसी प्रजातियां हैं जिनको ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षित किया जाता है और डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है कि उसको कहाँ जाना है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। यहाँ पर बात की गई है उड़ीसा की, उड़ीसा राज्य की। यहाँ पर बताया गया है कि उड़ीसा पुलिस जो है वो ख़ास तौर पर हूमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुँचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए ये कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों को संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता। अब देखो, हवाई जहाज से जब लेटर्स या पत्र एक जगह से दूसरी जगह पर भेजे जाते हैं तो कितना ज़्यादा खर्च आता है, या फिर पानी के जहाज़ से भी, लेकिन कबूतरों के लिए तो कोई पेट्रोल खर्च नहीं होता, है ना? तो यहाँ पर जो है इनकी जो सेवा है बहुत ही सस्ती है, ये संदेश सेवा। कबूतरों का जीवन जो होता है 15 से 20 साल तक होता है और 8 से 10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर सकता है। पता है आपको, एक बिल्कुल जो हेल्दी कबूतर होता है वो एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। और इनका जीवन कितना होता है? वो होता है 15 से 20 साल तक का। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुँचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा सके। जो बाज होता है ये कबूतरों पर हमला कर देता है। बाज भी एक पक्षी है लेकिन ये जो है कबूतरों पर हमला कर देता है। इसलिए अगर कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज पहुंचाना हो दुर्गम जगहों पर उड़ीसा पुलिस को, तो वो क्या करते हैं, 2 कबूतरों को एक साथ भेजते हैं ताकि अगर बाज जो है वो एक कबूतर पर हमला भी कर दे तो दूसरा कबूतर वो मैसेज, वो संदेश गंतव्य स्थान तक पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, पता है आपको कब हुआ था? पहला जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक चला था। अब ये दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे कि कब से कब तक हुआ था। तो देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इस कबूतर की कहानी जो ये है नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। ये जो कहानी है कबूतर की वो नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। यानी इसको किसने छपवाया है? नेशनल बुक ट्रस्ट ने।
और ये कौन सी भाषा में छपी है, वो छपी है अंग्रेजी भाषा में, और इस किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का नाम भी है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापे। यह रहा उनका पता, उनको एड्रेस है वो यहाँ पर दिया है, उनका एड्रेस है, उनका पता है, नेहरू भवन 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फेज़ 11 वसंत कुंज नई दिल्ली 110070। तो यहाँ पर आपको एक बात तो पता चल गई होगी, 1 से क्या मतलब है कि ये दिल्ली का इलाका है, और 10 से क्या मतलब है कि ये है दिल्ली के आसपास का इलाका, और 170 से क्या मतलब है कि ये उस डाक घर का पिन कोड है जिस डाकघर से वहाँ पर डाक बांटी जाती है। चलिए मैं आपको इसका जवाब दे देती हूँ कि दूसरे विश्व युद्ध जो है वो कब से कब तक चला था। वो चला था 1939 से, यानी 1939 से लेकर 1945 तक, यानी 1945 तक चला था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें जो है 10 करोड़ सैनिकों ने हिस्सा लिया था, इसमें 10 करोड़ सोल्जर्स ने पार्टिसिपेट किया था, पता है आपको। चलिए अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना है। वो प्रश्न ये है कि जो लेटर्स हैं यानी पत्र हैं वो आपके घर तक कौन पहुँचाता है, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। लेटर्स आपके घर तक, यानी पत्र जो होते हैं वो आपके घर तक कौन पहुँचाता है, वो आपको लिखकर बताना है कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द मिलेंगे हम इसके प्रश्न उत्तर के साथ।